अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए जो है रिश्ता एक लेकर आया हूँ। ये रिश्ता उन हमारे दोस्तों भाइयों के लिए है जो या तो जो है यूएई में जो है पहले ही रहते हों, या फिर जो है अभी जो है यूएई में जाकर रह सकें। यानी कि ये रिश्ता जो है जिस खातून का है वो जो है इस वक्त यूएई में दुबई में रहती हैं पूरी फैमिली के साथ। ये जो लड़की है इनका नाम है सुमेरा, अपनी जो है वालदैन के साथ दुबई में रहती हैं। इनके वालिद साहब जो है उनका बिजनेस है वहाँ पर। तो सुमेरा जो है इनकी जो उम्र है इस वक्त वो है 35 ईयर्स, 35 साल। खूबसूरत हैं, स्लिम हैं, लेकिन तलाक याफ्ता हैं। इनकी जो है शोहर से अलहदगी जो है 3 साल पहले हुई थी। पाकिस्तान में बेसिकली ये फैमिली जो है गुजरांवाला सिटी की है, मुसलमान है, फिरका सुन्नी है। तो इनकी तालीम जो है लड़की की सुमेरा की, ये ग्रेजुएट इनकी जो है कंप्लीट है। तो ये रिश्ता उन हमारे दोस्तों भाइयों के लिए है जिनकी उम्र 45 साल तक हो, वो पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों, या तो वो पहले ही यूएई में या दुबई में कहीं भी जो है पहले ही जॉब वगैरह करते हों, या फिर पाकिस्तान में रहते हों और शादी के बाद यूएई में उनके साथ इनके अपनी जो है बीवी के साथ वहाँ पर रह सकें। तो वही लोग इस रिश्ते के लिए हमसे राबता करें। ये जो फैमिली है मुसलमान है, अच्छे जो है ख़ानदान से हैं। इनकी जो कास्ट है ये आरआई हैं। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो चाहते हैं इनसे शादी के अबाउट बात करना, तो वो बराए मेहरबानी अगर आप जो हैं दुबई में ही मौजूद हैं, यूएई में कहीं भी, तो आप जाकर उनसे जो है उनके घर पे मिल सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हम आपको जो है उनकी उनसे बात करवा सकते हैं फ़ोन पर। तो उसके लिए जो है वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो चाहते हैं इनसे मिलना, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपसे राबता कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियां लेकर आएगा। तो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।